तो आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 का पहला एपिसोड बहुत ही मजेदार रहा, साथ ही डरावना भी। तो आप सब भी बहुत उत्सुक होंगे, खासकर जब रोहित शेट्टी ने कहा था कि इस बार का सीजन बाकी सभी सीजन से अलग है, वी हैव टेकन खतरों के खिलाड़ी टू अ न्यू लेवल। और साथ ही बिग बॉस 14 के कई कंटेस्टेंट्स भी इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में। तो एक्साइटमेंट लेवल बहुत था, पहला एपिसोड काफ़ी लंबा था लेकिन साथ ही काफ़ी इंटरेस्टिंग भी। तीन टास्क हुए पहले एपिसोड में, किसको फियर फंदा मिला, कौन जीता, इस वीडियो में उस पर बात करेंगे। बॉलीवुड मिरर में आप सबका स्वागत है, मेरा नाम है शिवम गुप्ता। तो पहले टास्क में अनुष्का सेन, श्वेता तिवारी, अर्जुन बिजलानी, इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया। तो एक केज में इनको फ्लैग निकालना था लेकिन वहाँ चीता भी था, बहुत ही खतरनाक टास्क। उसके बाद इनको एक बेंच के नीचे होते हुए उसको दौड़ना था फिनिश लाइन की तरफ, लेकिन दूसरी ओर से चीता भागते हुए आ रहा था। तो इसमें अर्जुन बिजलानी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, श्वेता तिवारी ने भी बहुत कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन अनुष्का सेन थोड़ा डिसएडवांटेज था, हाइट कम है, तो वो तीसरे नंबर पर आई, उनको फियर फंदा मिला। और अर्जुन बिजलानी और श्वेता तिवारी के बीच 1 सेकंड का गैप रह गया, 1 सेकंड से ये टास्क जीत गए अर्जुन बिजलानी। अब बात कर लेते हैं दूसरे टास्क की, ये भी काफ़ी डिफिकल्ट था, काफ़ी ऊंचाई पे ये टास्क करना था। और इसमें बिग बॉस 14 के दो पॉपुलर कंटेस्टेंट्स अभिनव शुक्ला और राहुल वैद्य की काफ़ी लड़ाई भी देखी हमने बिग बॉस 14 में, इन्होंने इस खतरनाक टास्क में पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले इसमें आई आस्था गिल, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया इसमें और कंप्लीट किया टास्क। उसके बाद आए राहुल वैद्य, तो इसमें क्या था, सी सॉ था, उसके बाद सीढ़ी से नीचे उतरना था, फिर प्लैंक शेक कर रहा था, काफ़ी हवा भी चल रही थी, एंड में लाइट थी, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, तो जब तक ग्रीन लाइट नहीं जगती तब तक आपको एक टांग पे खड़े रहना था लाइट्स के पास आके। आस्था के लिए तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन राहुल वैद्य सी सॉ पार करके सीढ़ी से उतर के पूरे एंड तक आ गए थे काफ़ी कम टाइम में, लेकिन फिर उनका बैलेंस बिगड़ गया, नीचे गिर गए, टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए। तो तीसरे नंबर पर आए अभिनव शुक्ला, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माने जा रहे हैं, उन्होंने खुद बोला आई हैव बीन प्रिपेयरिंग ऑल माई लाइफ फॉर खतरों के खिलाड़ी। तो इस टास्क में तो लेकिन शुरू में हड़बड़ाते हुए दिखे, लग नहीं रहा था कि वो कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन एंड में उन्होंने बैलेंस कर लिया और ये टास्क सबसे कम टाइम में कंप्लीट किया और वो ये टास्क जीत गए, लेकिन राहुल वैद्य को फियर फंदा मिल गया इस टास्क के बाद। अब बात कर लेते हैं तीसरे टास्क की, काफ़ी खतरनाक टास्क था। पहले टास्क में तो चीता था, लेकिन इस टास्क में हैना था, जो कि चीता से भी ज़्यादा खतरनाक जानवर है। इस टास्क में दिव्यांका त्रिपाठी, सौरभ राज जैन और निक्की तंबोली ने परफॉर्म किया। निक्की सबसे पहले आई, बिग बॉस 14 में तो बहुत एफर्ट दिखा था, एक्साइटेड होती थी हर टास्क से पहले, लेकिन यहाँ पे उन्होंने गिव अप कर दिया। करना क्या था, एक केज से दूसरे केज में जानवर को लेकर जाना था, सांप था, एलिगेटर था, तो सबको पता है ये खतरों के खिलाड़ी में प्रिकॉशन ली जाती है, ऐसे जानवर आपको कुछ सीरियस इंजरी या वैसा कुछ नहीं हो सकता, पूरी प्रिकॉशन ली जाती है टीम के द्वारा। लेकिन निक्की तो बिल्कुल डर गई, पहले तो बटरफ्लाई से डर गई थी जब शो शुरू हुआ था, एपिसोड शुरू हुआ था, उसके बाद इस स्टंट में भी उन्होंने गिव अप कर दिया। लेकिन इसमें एक और चीज़ था कि आपको केज में जाके फ्लैग लेना था, जहाँ पे हैना बंद था, वो ज़रूर निक्की ने कंप्लीट कर लिया। दूसरे नंबर पर आए सौरभ राज जैन, जिनको कि हमने भगवान के रोल में देखा है टीवी सीरियल्स में, उन्होंने टास्क भी ऐसे ही किया, एक केज से जब दूसरे केज में जानवर को लेकर जा रहे थे तो हनुमान चालीसा सुनने में मिली, अब हैना जब केज में गए वो भी उन्होंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। लेकिन दिव्यांका त्रिपाठी, उन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया, कितनी स्पीड से टास्क किया, पहले जानवर को लेकर के, हालांकि उनको थोड़ी सी चोट लग गई जब वो मगरमच्छ को लेकर जा रही थी दूसरे केज में, लेकिन उसके बाद उन्होंने हैना वाला टास्क भी बड़ा जल्दी कंप्लीट किया और इस टास्क को जीत दिया, निक्की तंबोली को तीसरे टास्क में फियर फंदा मिला। तो राहुल वैद्य, निक्की तंबोली और अनुष्का सेन, इन तीनों को फियर फंदा मिल चुका है। अब देखना होगा कि आज के एपिसोड में क्या होता है। ऐसे ही मैं खतरों के खिलाड़ी की अपडेट्स लाता रहूंगा। आपने अगर अभी तक बॉलीवुड मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।